नमस्कार दोस्तों, गौतम इज रेसिपी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ सब आप ठीक होंगे। दोस्तों तो आज मैं ठंड के मौसम में पालक की दाल जो है कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 कप यहाँ पर मैंने जो है तुअर की दाल ली थी। तुअर की दाल और पालक जो है बारीक कट करके उसमें 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करके और टमाटर ऐड करके उसको 4 से 5 सीटी कुकर की दे दी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसका जो पानी ऊपर आता है दाल का वो अलग साइड में करके और जो बची हुई दाल थी उसमें थोड़ा सा हल्दी या पाउडर ऐड करके इस तरह से हमें दाल को जो है मैश कर लेना है दोस्तों। और पालक और दाल मिक्स होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नए नए रेसिपी के जो है नोटिफिकेशन आ सके और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। तो चलिए अब हम तड़का देते हैं। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक पतीला लिया है उसमें ढेर सारा जो है राई और जीरा डाल दिया है। राई और जीरा को हम डालेंगे तो तड़का प्रॉपर नहीं लगेगा, तो राई और जीरा 2-2 चम्मच इसमें ऐड किया है। तेल लेना है हमें 2 से 3 चम्मच बड़े। तड़का जो है हमें हाई फ्लेम पर देना है दोस्तों। राई हमारे भुनने के बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं करी लीव्स। करी लीव्स के लिए 4 से 5 पत्तियाँ ली है मैंने। जैसे हमारे करी लीव्स जो है प्रॉपरली भुन जाएंगे तो उसके बाद हमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लेकर उसको कूट लेना है दोस्तों। और कूट कर इस तड़के में हमें जो है लहसुन की कलियाँ ऐड करके पकाना है। जैसे हमारे जो है लहसुन की कलियाँ कलर जो उसका डार्क हो जाता है तब हमें इसमें जो है दाल जो साइड में एक जार में पूरा मिक्स कर ली थी, हमने साइड में पानी रख लिया था वो पानी भी दाल का उसमें ऐड करके मिक्स करके इसमें तड़का लगाना है दोस्तों। बिना डरे तड़का लगाना है आपको, अगर डरोगे तो तड़का नहीं लग पाएगा दोस्तों। तड़का लगाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी है। तड़का लगने के बाद जो है हमें थोड़ा सा नमक ऐड करके बारीक कटी हुई और जो है धनिया ऐड करके पकाना है 5 मिनट के लिए। और कंसिस्टेंसी आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर ही पकाना है क्योंकि जो है दाल पालक हम बनाते हैं पकने के बाद जो है और गाढ़ी बनने लगती है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा पतला रखिए, बाद में जो है वो पालक की वजह से दाल है अपनी वो ठीक होने लगती है दोस्तों। ख्याल रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।